नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टैनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका, प्रतिलेखन संख्या 3, वचार गति 80 शब्द प्रति मिनट, वॉल्यूम 28। आइए स्टार्ट करते हैं आज डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, राजनीति का आपराधिकरण रोकने के लिए चुनाव आयोग ने एक अच्छा निर्णय किया है कि किसी भी अदालत द्वारा एक बार अपराधी घोषित प्रत्याशी विधानसभा तथा संसद का चुनाव नहीं लड़ सकेगा। विराम। यह निर्णय देश भर में 28 अगस्त से लागू हो गया है। अभी तक एक बार अदालत द्वारा अपराधी घोषित किए जाने वाले व्यक्ति ऊंची अदालत में अपील किए जाने, जमानत पर रिहा होने पर भी चुनाव लड़ सकते थे। विराम। अब आयोग ने 3 उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के दृष्टिगत इस बात को स्पष्ट किया है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुच्छेद 8 में इस बात का प्रावधान है कि एक बार अदालत द्वारा अपराधी घोषित हो जाने के उपरांत कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित हो जाता है। विराम। ऐसे में इस बात पर गौर नहीं किया जाना चाहिए कि वह व्यक्ति जमानत पर रिहा है अथवा उसने ऊंची अदालत में अपील कर रखी है। विराम। पैरा। चुनाव आयोग की बैठक में इन विषयों पर विचार करने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस कदम के दूरगामी राजनीतिक परिणाम होंगे तथा राजनीति को अपराधियों से मुक्त कराने में सहायता मिलेगी। विराम। वैसे उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि यह कानून संसद व विधानसभाओं के वर्तमान सदस्यों पर लागू नहीं होगा। विराम। उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुच्छेद 8 में अनेक कमियां हैं। विराम। जिन्हें दूर करने के लिए आयोग 3-4 दिनों में सरकार को लिखेगा। माननीय सदस्य ने संसद में बड़ी संख्या में अपराधियों के आ जाने को गंभीरता से लेते हुए कहा कि कानून तोड़ने वाला कानून बनाने वाला नहीं हो सकता। विराम। पैरा। आयोग का यह निर्णय अगले वर्ष होने वाले 8 विधानसभाओं नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान के चुनावों पर लागू होगा। चुनाव अधिकारियों को अब प्रत्याशियों के नामांकन पत्र स्वीकार करते समय इस बात को ध्यान में रखना होगा कि प्रत्याशी किस अदालत से दंडित तो नहीं है या उस पर किसी अपराध में कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है। विराम। उम्मीदवारों को भी इस बात का शपथ पत्र भरकर देना होगा कि वे किसी अपराध में किसी अदालत द्वारा दंडित नहीं हुए हैं या उनके विरुद्ध किसी अदालत में कोई मामला विचाराधीन नहीं है अथवा
जमानत पर नहीं छूटे हुए हैं। पैरा महोदय, देश में राजनीति में बढ़ते आपराधिकरण तथा भ्रष्टाचार के कारण आज संसद से लेकर नीचे के हर स्तर पर चिंता प्रकट की जा रही है। विराम, पिछले कई दशकों में जिस प्रकार चुनावों में खर्च बढ़ा है, उसी मात्रा में इसमें भ्रष्टाचार व काले धन का वर्चस्व भी बढ़ा। विराम, विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा चुनाव जीतने हेतु बूथों पर कब्जे करने के लिए अपराधियों का सहारा लिया गया, उससे राजनीति में अपराधियों का वर्चस्व भी बढ़ता गया। उससे इस प्रकार पहले आर्थिक अपराधी और अन्य अपराधी जहां राजनीतिज्ञों के संरक्षण में पनपते थे, वहां अब वे खुलकर राजनीति में आने लगे। विराम, विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा ऐसे अपराधियों को जातीय अथवा अन्य कई आधारों पर टिकट दिए जाते हैं। विराम, इनमें से कई चुनाव जीतकर संसद व विधानसभाओं में पहुँचे हैं। पिछले चुनावों में कई ऐसे उम्मीदवार भी चुनाव में खड़े हुए और जीत गए जो विभिन्न आरोपों में जेलों में बंदी हैं। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए पिछले दिनों चुनाव आयुक्त ने भी कहा था कि वर्तमान संसद के 40 सदस्य तथा देश की विधानसभाओं के 700 सदस्य विभिन्न आपराधिक मामलों में संलिप्त हैं तथा उनके विरुद्ध भिन्न भिन्न अदालतों में केस चल रहे हैं। विराम, गत लोकसभा चुनावों में 1500 ऐसे उम्मीदवार थे जो विभिन्न अपराधों में संलिप्त थे। उन्होंने इस प्रकार के अपराधियों को चुनाव में खड़े होने से रोकने के लिए सरकार से तुरंत कानून बनाने का आग्रह किया था। विराम, पैरा, आज देश में कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं रह गया है जिसे भ्रष्टाचार से दूर कहा जा सके। विराम, किसी के नेताओं पर हवाला केस के दाग लगे तो किसी पर विभिन्न आर्थिक घोटालों व भ्रष्टाचार के आरोपों में अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं। विराम, देश के राजनीतिक जीवन में आ गए प्रदूषण से हमारे सांसद भी अत्यंत चिंतित हैं। स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर बुलाए गए संसद के 4 दिवसीय विशेष अधिवेशन में सभी दलों के नेताओं तथा लोकसभा अध्यक्ष ने राजनीति के अपराधीकरण को रोकने तथा इसके शुद्धिकरण पर बल दिया। विराम, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए चुनाव सुधारों को लागू करने तथा सरकार द्वारा विभिन्न दलों को चुनाव लड़ने के लिए सरकारी कोष से धन देने की मांग की।
और श्री चंद्रशेखर ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने की मांग की पूर्ण विराम।